हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम यहाँ पर बात करेंगे वीवो V20 SE की। तो पहले बात कर लेते इसके बैक कैमरे की। तो भाई यार, इसमें जो बैक कैमरा है उसमें आपको जो प्राइमरी सेंसर है वो सैमसंग का देखने को मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का। उसके बाद 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का बोके मोड वाला यहाँ पर कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें दोस्तों सेल्फी कैमरा की, तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पूरी आज यहाँ पर बात करेंगे। तो भाई फीचर्स की बात करें तो 4K विद EIS 1080p पे 60 FPS पर आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों फ्रंट की बात करें तो 1080p EIS आपको यहां पर सपोर्ट देखने को मिलता है, और साथ ही साथ सुपर नाइट मोड भी यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो भाई यहां पर माइक्रोमैक्स के जो फ़ोन आज लॉन्च हुए हैं वो काफ़ी सही है, आप भी कमेंट करिएगा। मुझे तो प्राइस बहुत सही लगी और उसकी भी वीडियो यहां पर जल्द से जल्द मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर कुछ सैम्पल्स देख लेते हैं इसी वीवो V20 SE के जो मैंने क्लिक किए हैं। तो भाई यहाँ पर आप जो फर्स्ट सैंपल देख रहे हैं ये मैंने यहाँ पर काफ़ी लो लाइट में क्लिक किया था, अबाउट 6 से यहाँ पर 6:30 बजे रहेंगे। तो भाई वीवो V20 SE से जो आप AI में अगर फ़ोटो लोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी जब लाइटिंग कंडीशन बेकार सी हो। तो भाई ये भी यहाँ पर एक शॉट मैंने लिया है और आप देख सकते हैं भाई इस लकड़ी का जो कलर है वो काफ़ी सही निकल कर आया है। भाई मैं आपको बता दूं, जो वीवो का ये वीवो V20 SE आया है इसके जो कलर्स है वो काफ़ी सही आपको देखने को मिल जाएंगे। ऊपर से दोस्तों कौन है यहाँ पर जो लीव्स की फ़ोटो दोस्तों नहीं लेता अपनी ज़िंदगी में, तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी यहाँ पर निकल कर आई है। जो बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर निकल कर आया है। तो इसमें दोस्तों वीवो ने बहुत सही काम किया है इस फ़ोन के ऊपर। तो भाई हर कोई यहाँ पर डायनेमिक रेंज ज़रूर देखना चाहता है किसी भी फ़ोन की। आप यहां पर अगर इस फ़ोटो को देखिए ध्यान से तो आप यहां पर समझ जाएंगे कि कितनी सही यहां पर आपको डायनामिक रेंज देखने को मिलती है और क्या कुछ कमी है। तो भाई मुझे तो ठीक लगी है यहां पर, मैं कहूंगा एवरेज से काफ़ी सही है। तो भाई यहां पर अगले सैंपल शॉट में आप देख सकते हैं जो कि एक फ्लावर का है, तो काफ़ी सही है दोस्तों। जो बोके इफेक्ट आया है, नेचुरल बोके इफेक्ट है, वो भी काफ़ी सही से यहाँ पर निकल कर आया है। बाकी कलर्स तो आप देख ही सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको मैक्रो शॉट लेने के लिए कोई ऑप्शन तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसका कैमरा इतना कैपेबल है कि आप इतना नज़दीक जाके यहाँ पर फ़ोटो ले सकते हो। ये दोस्तों 6 या 7 सेंटीमीटर यहाँ पर बस डिस्टेंस रहा होगा। तो भाई दोस्तों बात करें यहाँ पर इसके जूमिंग की, तो 1x जूम पर आप देख सकते हैं कि कैसी क्वालिटी है। तो क्वालिटी तो एकदम यहाँ पर सही है, कलर्स वगैरह आप देख सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट लेवल दोस्तों इस फ़ोन का काफ़ी सही है, आप देख सकते हैं। भाई 4x का अगर मैं यहाँ पर जूम आपको करके दिखाऊँ, ये दोस्तों मैं फ़ोन से कर रहा हूँ, पहले 4x जूम किया उसके बाद यहाँ पर मैंने पिक्चर क्लिक की है। तो भाई 8x जूम करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की क्वालिटी देखने को मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8x जूम करने के बाद भी क्वालिटी ज़्यादा डाउन यहाँ पर नहीं हुई है। तो भाई नाइट के लिए आपको यहाँ पर वीवो ने सुपर नाइट मोड दिया है, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि नाइट में क्वालिटी उतनी ज़्यादा निकल कर नहीं आई है। लेकिन मैं यहाँ पर जैसे ही इसका नाइट मोड इनेबल करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके की आपको यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिलती है। तो आप भाई हैरान हो सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम किया है वीवो ने अपने नाइट मोड पर। वैसे भी वीवो के दोस्तों जो फ्लैगशिप लेवल या मिड रेंज के फ़ोन होते हैं काफ़ी सही उसमें आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, और दोस्तों इस पिक्चर में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला है। दोस्तों बात करें यहाँ पर 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे की, तो भाई ये सैमसंग का GMW1 सेंसर है। तो भाई उतना सही सोनी जितना तो नहीं, लेकिन उसके कंपैरिजन में काफ़ी ठीक ठाक कंपीट ये कर रहा है। तो भाई इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि भाई जूम करने पर उतनी अच्छी क्वालिटी निकल कर नहीं आई है। ये पता नहीं क्यों, वेदर की वजह से होगा, लेकिन भाई यहाँ तो वेदर भी ठीक था, ऐसा क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो भाई अगर दिन में आप 48 मेगापिक्सल से शॉट लोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। डायनामिक रेंज काफ़ी सही है जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, और भाई कलर्स तो आप देख ही सकते हैं कितने सही निकल कर आए हैं। तो भाई ये कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है वीवो के बैक कैमरे में। भाई ये यहाँ पर 4K वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है इसी वीवो V20 SE से। तो भाई वीडियो की मैं पूरी वीडियो अलग से लेकर आऊँगा, जिसमें कि आपको सेल्फी वाले कैमरे के बारे में भी पूरी डिटेल्स दे दूँगा। तो भाई यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड हमसे छूट गया था, तो आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा। तो भाई कलर्स एकदम बेस्ट है यहाँ पर, एज डिटेक्शन में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा पोर्ट्रेट मोड हल्का सा कम लगा है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। तो भाई बाकी यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा।